आदि है, वेलकम टू माय चैनल मोनू सैम। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा HP 15R0070X लैपटॉप के कुछ इश्यूज़ या फिर कह सकते हैं कुछ कॉन्स जो कि मैं फेस कर रहा हूं पिछले एक महीने से, और इनमें से कुछ इश्यूज़ मैं सुन रहा हूं इसके यूज़र से भी। जो सॉल्यूशन मुझे मिला है उन इश्यूज़ के बारे में मैं आपसे शेयर भी करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर शुरुआत करूँ मैं हार्डवेयर इशूज़ से, तो हार्डवेयर के बारे में कंप्लेन करने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, क्योंकि हार्डवेयर वाइज ये लैपटॉप बहुत ही स्टेबल है और ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा मुझे इसमें। तो पहला मेजर इशू जो मैं इस लैपटॉप में फेस कर रहा हूँ, जिससे सबसे ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ, वो इशू है वाईफाई कनेक्टिविटी इशू। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी मुझसे अग्री करते होंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस वक्त मैंने अपने लैपटॉप को वाईफाई ऑन किया हुआ है, और जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि मेरे वाईफाई जो, तो ये है मेरे डिवाइस और मेरा जो मॉडम है उसका नाम है MTNL 4830, और ये फ़िलहाल कनेक्टेड है। लेकिन जैसे अगर आप देख सकें इस लैपटॉप में, तो यहाँ पे उस नेटवर्क को शो ही नहीं कर रहा है ये। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी फ्रस्ट्रेट करती है यूज़र को, और जब मैंने इसके बारे में HP से कांटेक्ट किया, तो सबसे पहले तो उन्होंने कुछ सेटअप वगैरह करवाया मुझसे, और जब उससे कुछ काम नहीं बना तो उन्होंने मुझे एक लिंक भेजी जिसमें कि एक ड्राइवर था, और ये है वो ड्राइवर, और मैं इसकी लिंक आपको प्रोवाइड करूँगा शो नोट्स में। और लेकिन इस ड्राइवर को अपडेट करने के बाद भी बात नहीं बनी, और लास्टली उन्होंने मुझसे ये कहा कि मुझे अपना सिस्टम फॉर्मेट करके दोबारा से विंडोज लोड करनी होगी। मैं ऐसा कर चुका हूँ और उसके बावजूद भी मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं दिखा। तो मुझे ये लगता है कि ये जो इशू है, ये हार्डवेयर इशू है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कभी कनेक्ट ही नहीं होता, ये प्रॉब्लम कभी कभी ही फेस करता हूँ मैं वाईफाई नहीं कनेक्ट होने की। और इसका रीज़न मुझे अभी तक समझ नहीं आया है गाइस कि ये क्यों कनेक्ट नहीं हो पाता। दूसरा जो सवाल मैं सबसे ज़्यादा सुनता हूँ वो है इसकी क्लॉक स्पीड को लेकर। अगर आप सिस्टम पे देखेंगे तो इसकी स्पीड 1.7 गीगाहर्ट्ज़ शो होती है, बट मैंने HP की वेबसाइट पर जब देखा, जो बेस क्लॉक स्पीड है वो है 1.7 गीगाहर्ट्ज़ और टर्बो बूस्ट अप टू 2.7 गीगाहर्ट्ज़। तो इसका मतलब ये है एग्जैक्टली कि बेसिक एप्लीकेशन जो आप रन करेंगे इसमें, जिसमें कि ज़्यादा प्रोसेसिंग की पावर की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें ये ऑपरेट होगा अराउंड 1.7 गीगाहर्ट्ज़ टू 2.4 गीगाहर्ट्ज़। इसको स्ट्रेस करेंगे प्रोसेसर को, और जब आप हैवी मल्टीटास्किंग या हैवी गेमिंग करेंगे तो उस केस में ये अपनी क्लॉक स्पीड बढ़ाकर कर देगा 2.7 में लेकर। इस लैपटॉप के ड्राइवर्स जो कि HP ने शो करता है अपनी वेबसाइट पर, वो पूरी तरह से आप कहें तो लेटेस्ट नहीं है। लेटेस्ट ड्राइवर चाहते हैं इस लैपटॉप के लिए, तो आप YouTube शो नोट्स में जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने सारे ड्राइवर्स प्रोवाइड किए हैं। चौथी चीज़ जो है वो मैं बताना चाहूँगा कि इस लैपटॉप में आपको एक डेडिकेटेड NVIDIA GeForce ग्राफिक कार्ड मिलता है, जो कि काफ़ी पावरफुल है। लेकिन वो ग्राफिक कार्ड जब तक काम का नहीं है, जब तक कि आप उसके ड्राइवर्स डाउनलोड नहीं कर लेते। तो उन ड्राइवर्स को डाउनलोड करने की लिंक भी मैंने प्रोवाइड किया YouTube शो नोट्स में। तो आप लोग फिक्र मत कीजिए इसके प्राइस को लेकर। Amazon.in पे जो उसका प्राइस है काफ़ी लो है, अगर आप कंपेयर करेंगे स्नैपडील या फ्लिपकार्ट या किसी और वेबसाइट से। और आप ये मत सोचिए कि उस पर आपको सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। Amazon.in एंड Flipkart आर द मोस्ट ट्रस्टेड वेबसाइट्स ऑफ इंडिया, एंड इसमें आपको जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इसमें कोई आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको एक रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगर मैं इसको समराइज करूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक ऐसे शख्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वाईफाई यूज़ करते हैं लैपटॉप पे अपने, और जो कि 24/7 ऑनलाइन रहना चाहते हैं अपने लैपटॉप पे, तो मेरे हिसाब से ये लैपटॉप उन लोगों के लिए नहीं है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम हर एक लैपटॉप में है। हो सकता है कि जो मेरे पास यूनिट हो उसमें प्रॉब्लम हो, उसको छोड़ के ये लैपटॉप एक बेहतरीन लैपटॉप है इस प्राइस पॉइंट पे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई लैपटॉप इसको टक्कर नहीं दे सकता है इस प्राइस पे। जिस तरह की कॉन्फ़िगरेशन HP ने इस लैपटॉप में दी हैं यूज़र्स को, वाकई काबिल तारीफ़ है। सो ये तो था मेरा Q&A वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर कोई भी सवाल हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में लिखिए, और बहुत ही जल्द मैं लेके आ रहा हूँ टेक न्यूज़ अपडेट, तो जल्दी से मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।